तो आज सुबह 9 बजे से माँ की खटखट खटखट शुरू हो गई थी। मैं सोया था, माँ ने मुझे उठाया नहीं। आज क्या बन रहा है माँ? चिकन कसा। अभी रुको, अभी माँ से इंट्रो लेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ इंट्रो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारा होस्ट आ रहा है एक मिनट में। हमारा होस्ट तैयारी कर रहा है और वो आपको बताया क्या क्या चाहिए। नहीं माँ, आज की रान्ना होबे माँ? अच्छा चलो गाइस, कलरिंग रोटी। और नीचे दिखाता हूँ, नीचे भी कुछ ढोल दमुए बज रहे। दमुए तो नहीं, बस बैंड बज रहा है। चिकन को मैरिनेशन चल रही है हमारा, है ना। मैरिनेट कर रहे हैं। नमक थोड़ा सा, हल्दी अल्प, तेल। चलो भाई, माँ के साफ हाथों से, ये मत सोचना माँ के हाथ गंदे हैं, है ना। माँ साफ है ना आपके हाथ? है। चलो मैरिनेशन में के लिए जा रहा है मिष्टी दोई। मिष्टी दोई था? नहीं नहीं, नॉर्मल मिली। मम्मी कंफ्यूज, मम्मी ने तुरंत पैकेट पीछे कर दिया। मम्मी बोलिए मिष्टी दोई है? नहीं माँ, मिष्टी दोई नहीं यार, नॉर्मल दही है। टेंशन मतलब डालो। चलो भैया, इसमें अदरक लहसुन प्याज तो खानी जल दिए दे। वो ऐसा करने में तो हमारी माँ माहिर है, सेकंड में पेस्ट कर देती है भैया। हमारे कुक ने पेस्ट कर दिया है। कुक हमेशा देखते हैं कि भाई अदरक पिसा है कि नहीं पिसा है। पिसा और दिखा दूंगा आपको। चावल ना जो पकने वाला है, उसको माँ ने बहुत देर से भिगाया है ताकि ये जल्दी पक जाएगा। आलू में आ गई है हल्दी, थोड़ा सा फ्राई होगा आलू। चलो फ्राई, ये देखो गाइस, ये पिचकारी है 3 फीट की, ये लेके आया हूँ अपने लिए। मेरे उपकरण दिख रहे हैं? अभी मैंने कील वील ठोक के हैंगर वैंगर टांगा है। अभी यहाँ पे मैंने एग्जॉस्ट फैन यहाँ से हटा दिया था ना, तो यहाँ पे लगवाना है मुझे जाली, ताकि देखो हल्के से फ्राई करके निकाल दिए आलू, ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं। तेल थोड़ा कम करके इसमें डाल दिए थोड़ा चीनी। अब ये नहीं पता भाई चीनी क्यों डालते हैं इसमें, ये चीनी का कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता भाई। काचे लंका रहना तो चीनी तो दिले कि एक तौर पे तो लाल दम है। अच्छा गाइस, बोल रहे कि चीनी देने के बाद अगर चीनी जब जब भुन जाती है ना तेल में, तो लाल कलर हो जाता है। अरे हाँ यार, सच में। चलो भाई, अपने गरम मसाले भी इस पे कुर्बान, साबुत गरम मसाले। तुम्हारा डेली डेली हमारे खाना बनाने कैसा लग रहा आपको? है क्या मन लगता है डेली डेली खाना रन्ना करते हमारे? अच्छा, बट यहाँ तो आपको हमारे लिए भी करना पड़ता है ना। भालो लगे आज ना करे, चुपचाप बोसे लगने भालो लगे क्या पता मुझको? आपको बोसे बोसे अच्छा लगता होगा। अच्छा, इस मिर्ची ने तो तेल का मचा दिया था। मेरे कैमरे के लेंस में आई था इसका तेल। अब मम्मी ने प्याज डाल के प्याज ही भून दिया, मैं उसको साफ ही करने में रह गया। शुरू मामन माँ, ये आ गया भाई अपना पेस्ट, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। के लिए मैं लेके आइस कॉफ़ी के लिए लेके आया था बर्फ। मम्मी को जब भी गर्मी लग रही है खाना बनाते, देखो मम्मी को कितना पसीना हो गया। देखो गाइस, वो देखो पसीना आ रहा ना। माँ के सर पे ऐसे रख देता हूँ तो मस्त माँ का तुम्हारा ठंडा हो जाता है ना माँ। देखो देखो, आज धूप बहुत कम है क्योंकि कल धूप बहुत तेज़ थी, जिस वजह से आज थोड़ा बादल आ गए, हवा भी चल रही थी आज, तो इस वजह से ना मौसम बहुत ही सुहावना है आज। मैं तो पिचकारी विचकारी लेके आया था, बट लोग होली खेल ही नहीं रहे यार कोई। मौसम आज सही है, आज गर्मी बहुत कम है। कल मैंने एक चीज़ नोटिस किया भाई, माँ हलूद खूब खिलाती है हमको। अच्छा माँ काली माँ, हमें तो मजाक कर रहे टॉक अच्छे। माँ बोलेगी दही दिया है माँ, बट दही तो प्लेन आ चाहिए, टॉक तो अच्छे ही नहीं। दही तो आप दे सकते हो, टमाटर कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपकी मर्जी। हाँ टॉक, दही तो प्लेन था ना, खट्टा होगा नहीं मेरे हिसाब से तो। जा देखो सूरज कैमरामैन, अब भैजी ने एक ऑडियो भेजा, ठीक है मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ। वो अरे यहाँ तक यार, कौन कौन से पकौड़िया बना रहे हो तुम यार? सुनो दोबारा सुनो। अरे भैजी यार, तुम क्या पकौड़े वकौड़ी बना रहे हो यार? खुशबू अरे यहाँ तक यार, कौन कौन से पकौड़िया बना रहे हो तुम यार? मसाला हो गया अपना तैयार, तो उसमें आ चुका है अपना मेन इन्ग्रीडियंट जो कि है, सभी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है भाई। आलू भी चले गए हैं अपने, आलू के पीछे हटे। चलो भाई गरम मसाला, भाई कैच का बहुत अच्छा होता है मीट मसाला, मीट मसाला। ये देखो
ये हांडी मैंने बोला पुरानी होगी, इसको फेंक देते हैं। मम्मी बोल रही है तुम्हें फेंक देते हैं और नया जमाई लेके आते हैं। मामून नया जमाई भाई, मम्मी ने बोल दिया तुझे भी फेंक देते, तू भी पुराना हो गया बोल रही। चावल हो गए तैयार अपने मस्त, अब कलरफुल रोटी की तैयारी होगी। तो ये तो दिख रहा है ना, ये है चुकंदर, ठीक है, इससे लाल कलर आएगा रोटी में। और ये रहा भैया धोने पाता, इसे हरा कलर आएगा। धनिया तो हो रहा है, चिकन में दे दिया हमने पानी, अबे पकेगा मस्त। गाइस हैप्पी होली गाइस, नेचुरल कलर देख रहे हो कैसा लग रहा है, चुकंदर का कलर है गाइस, चुकंदर का। चुकंदर से होली मनाई है हमने, ठीक है, सबको लगाया मैंने और इन लोगों ने जल्दी मिटा दिया, लेकिन सबसे बेस्ट कलर है भाई ये, देख रहे हो क्या लग रहा है। दिखाता हूँ कि मैंने लगाया किससे, देखो इससे लगाया, देखो चुकंदर का पेस्ट, ये काम आ गया भाई, ये रोटी में हरा, ये हरा कलर की रोटी बनेगी, ये चुकंदर बनेगा, इस आटे में मिक्स हो गया। देखो भाई पैसे, अरे डरपोक आदमी यार, भाई जी आप इससे ले लग गए यार। मतलब होता है ना भाई जी, कलर से मतलब होता है ना भाई जी, देखो साफ हो गया दो मिनट में भाई जी, यार ऐसे कलर यूज करने चाहिए लोगों को, हम ऐसे प्रमोट करें, नेचुरल होली खेलो। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, देखो बैजी की फेयरनेस का राज है, फेयर एंड लवली इज नाउ फेयर एंड हैंडसम। आपको तीन कलर चाहिए, एक तो प्लेन आटा, इसको गूंथ लेते हैं। तो ये रही अपनी चुकंदर के आटे की रोटी, सॉरी चुकंदर के जूस की रोटी, पूरा बर्तन। ये रही हरी रोटी, ये रही प्लेन रोटी, मम्मी बनाने वाली तीन तीन कलर की रोटियां। भाई अपना कलरफुल और खुशबूदार चिकन तैयार है, जो कि देखने में बहुत एक नंबर लग रहा है। इसके भाई वो कर दो मिक्स, मुक्स करके दिखा दो, ताकि जो दर्शक हमारे उनके मुंह में पानी आ जाए। टिश्यू पेपर साथ में रख लिया करो, जब भी अपना खाना दिखाते हैं तो जरूर पानी आता है, क्योंकि मेरे मुंह में खुद पानी आ जाता है। आलू और चिकन, आहा, इसका जो मटन मसाले का नाश्ता, हमने मीट मसाला डालता है इसमें। ये रही कलरफुल रोटियों के आटे के गोले, हरा चुकंदर और नॉर्मल रोल। मामून क्या यूज करते हो आप? बाल सुखा के, ऐसे बाल ऐसे भाई माँ ने कुछ अलग ही सोचा होगा आज तो। मम्मी ने बड़े रोल बना दिए सारे आटे को एक साथ करके, देखो माँ काट रही है मस्त। तो आज हमारे घर पे बनी है मिठाई, जैसी दिखने वाली रोटियों के गोले, ये मिठाई नहीं है, होली स्पेशल रोटियां हैं माँ की। ठीक बोले जो है ना माँ, होली स्पेशल रेडी ना। मामू कितनी गर्मी हो रही, माँ बोलिए पता नहीं कैसा बनेगा, बट माँ को पूरा भरोसा है कि अच्छा बनाएगी माँ। तो भाई देखो बड़ी रोटी बन रही है कलरफुल, मजा आई, खेला अच्छे भाई, हम खेल कर रहे हैं फिर भी इतनी परफेक्ट बन जा रही है रोटी। चाहिए जल्दी करने के लिए हमने दोनों तवे में शुरू कर दिया है, इसमें भी बन रही है उसमें भी बन रही है, और बनने के बाद रोटियां कुछ ऐसी दिख रही है सुंदर। माँ भी हमारी यूट्यूबर बन गई, जब तक मैं कैमरा नहीं ऑन करता हिलाती नहीं हूँ खाने को। देखो खिले हुए चावल, अपनी रोटियां देखो ना यार, सॉफ्ट सॉफ्ट सी कलरफुल रोटियों का मजा ही कुछ और है। साथ में सैलेड, छिला हुआ सैलेड मामून के लिए, बिना छिला मेरे लिए। बहुत परफेक्ट पका है, बहुत परफेक्ट पका है। देखो अपनी बेटी के लिए मैं चिकन लेग पीस निकाल रही हूँ, देख रहे हो जैसे मैंने ऐसा बोला तो मामू ने बोला इसकी थाली में डाल दो। ये देखो क्या बाइट बनाई मामू ने। तो गाइस मैं आपको पहले कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ भात के साथ, क्योंकि भात तो किंग है भाई। इसके हाथ कंसिस्टेंसी देखो बहुत मस्त मस्त, कड़ा भी नहीं पतला भी नहीं, परफेक्ट। मांस देखे दी किरा मांस ने ली थी, ओहो तुम साइड करे खावा शुरू कर दो, बहुत परफेक्ट पका यार। बारिश, इसको बोलते हैं बारिश। कल इतनी गर्मी थी ना,
आप बारिश ने सारा टेम्परेचर डाउन कर दिया। 7 सालों में मैंने कभी ये होली का जलते हुए नहीं देखी, आज फर्स्ट टाइम देखूंगा मैं। ठीक टाइम पे आ गया, संडे है आज। देखो ऊपर लोग उनको बैनर्स को बचाने के लिए कवर कर रहे हैं, जलने को तैयार है, तो बोरियों से कवर कर दिया। बस वेट कर रहा हूँ कि कैसे होली का जलाएंगे आज फर्स्ट टाइम। भाई लोग अपने बैनर को बचाने के लिए पानी की बाल्टी भी ऊपर ले गए ताकि बोरियां भिगा देंगे, आग लगने की संभावना कम है क्योंकि बहुत ऊपर जाएगी आग। अगर 10-15 फीट तो आराम से है। पोपट मैं तो आधे घंटे से ज़्यादा वेट कर रहा था, 45 मिनट, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मुझे। बोले कि मोहर है 11:30 का। सब्जी ले आता हूँ यार, और क्या, सब्जी ले आके चुपचाप निकल जाता हूँ। दोस्त मुझे मिल गया, अभी मेरा झोला बोला कि सब्जी लेने मत जा। मैं बोला सब्जी लेने मत जा, मैं बोला क्या क्या करूँ मैं, दे दूँ क्या, तू क्या करेगा झोले का, क्या करेगा झोले का, तू क्या करेगा झोले का। छोटू सा मेरे को पहचान गया, बोला तेरा दोस्त, मेरा दोस्त कालू तेरे साथ रात को आया था, कहाँ है, आजा। अभी जूस पी ले रहे हैं, बहुत देर से 1.5 घंटा हो गया हमको जूस बाहर घूमते हुए, बिना बर्फ वाला गन्ने का बीस वाला जूस। पुदीना के घर थोड़ी देर बाद खाऊंगा खाना। बोलिए कि लाल साग ला के ठीक किया तूने। देखो भैजी गाल, देखो भैजी गाल, ओ भाई इसी के लिए तो मैंने इतना वेट किया था। भाई कहाँ जा रही है उसकी लपटन देखो जरा, ओए 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 ओए, अरे भाई भाई भाई, लेकिन जल गई पहले ही है। फाइनली इसी के लिए मैं वेट कर रहा था। ओ भाई बहुत गर्मी लग रही है। आगे बहुत गर्मी लग रही है भाई जी, आगे तो ये पागल कितने आगे जा रहे हैं, जले हुए वहां जाके तुम। अब ओए भाई जी आशीष डिजर्ट टू हिम पेल दस ब्रो, पेल नहीं है पेल, या डीजे पे बनने दे जरा। आगे पास से चले जा रहे हैं जलते जलते। गर्मी हो गई बहुत, निकलते हैं फाइनली लोवर आग लेंगे चले जाएंगे। ये देखो ये दोनों अभी आ रहे हैं, ये देखो अभी आ रहे हैं दोनों, मुझसे पहले निकल के थे ही पहुंच गए। जस्ट राम, जस्ट राम, जस्ट राम, बैजी नो। होली का इस सेलिब्रेशन को तो हम होलिका दहन तो देख के आ गए। भैजी लोगों ने जय श्री राम कर करके जो मजे लिए हैं आज, कल इनको वीडियो में दिखाऊंगा ना, जब मैं पागल हो जाएंगे अभी हैं। हाँ वो नहीं गया था, वो बाहर से आया था ना कभी तभी। ठीक है, इस कल मिलते हैं अगर कुछ होली होली सेलिब्रेट करेंगे तो। मामू भैजी ने बोला था कि यार तुम लोग गुजिया नहीं बना रहे हो क्या, मामू ने तुरंत गुजिया सर्च कर करके बोलती अभी लेके आते हैं। हम मार्केट गए और सारा वो खत्म हो गया था खोया, मामू बोले कल खोया लेके आएगा, मैंने गलती कर दी मामून को बता के। मामून बोली कि यस हम भी इस बार गुजिया बनाएंगे, अब कल जाके गुजिया का सामान लाना है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच इस ब्लॉग को देखने के लिए, आपको बहुत मज़ा आया होगा, स्पेशली ये भैजी लोगों का मज़ा देख के। मुझे नहीं बताया मम्मी लोग इसको देख के क्या बोलेंगे जब देखेंगे ना वहाँ से तो बोलेंगे क्या करके आए हैं, बट ठीक है होली के दिन तो सब इन्जॉय करते ही हैं। तो बाय बाय गाइस, हैप्पी होली सबको।